हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एरन कार्ट। आज हम आपको दिखाएंगे ब्रेटा का M9A3। लास्ट पहले जब साले आपको मैंने ब्रेटा की वीडियोस दिखाई हैं, वो आपको मैंने दिखाया था ब्रेटा 84FS, M92A1 और 92FS। तो आज ये फाइनली हमारे स्टॉक में आ चुका है ये प्रोडक्ट M9A3। तो आइए पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ क्या क्या है। कैलिबर 4.5 mm, .177 जो एमओ होती है, इसके अंदर आप स्टील बीबी चला सकते हैं। कैपेसिटी जो है इसकी मैगजीन की, दैट इज 18 राउंड्स। पावर सोर्स इसका 12 ग्राम CO2 सिलेंडर। वेलोसिटी अप टू 130 मीटर्स पर सेकेंड। साइज जो है इसकी, फ्रंट एंड रेड दोनों ही फिक्स होती हैं। ट्रिगर आपको डबल एक्शन और सिंगल एक्शन आपको दोनों ही मिलेंगे इसके अंदर। सेफ्टी जो है आपको जो इसका लॉक है वो मैनुअली लगाना पड़ेगा। बैरल जो है इसकी स्मूथ बोर होती है। बैरल लेंथ है इसकी 112 mm। डेंजरस एरिया अप टू 300 मीटर्स, बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रेंज है इसकी। 300 मीटर्स बहुत ज़्यादा होता है। वेट है इसका 1080 ग्राम्स और लेंथ है इसका 225 mm, जो पूरी एयर पिस्टल की लेंथ है। आइए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इसका यूज़र मैनुअल है, आप इसको ज़रूर पढ़ें। अगर आप परचेज़ करते हैं इसको यूज़ करने से पहले आप इसको ज़रूर पढ़ें, जो आपका M92A1, ताकि आप इसको सही से आप यूज़ कर सकें। ये 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर होता है। आपको ये भी, आपको जो इसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अंदर आप सिर्फ स्ट्रीट बीबी चला सकते हैं, पैलेट्स नहीं चलते इसके अंदर। देखिए इसकी आपको मैं इन हैंड फील बता दूँ, बहुत अच्छा है ये जो इसकी M92A1 है। आपको नेक्स्ट वीडियो हम इसका दोनों कंपैरिजन वीडियो दिखाएंगे, M92A1 और M9A3 की। ये देखिए, इसके अंदर भी आपको एक्सेसरी रेल मिलेगी, आप इसके अंदर रेड डॉट साइड लगा सकते हैं। ये फुल मेटल होता है, ये जो ग्रिप है ये फाइबर की होती है। ये देखिए, इसकी मैगजीन रिलीज बटन होता है ये वाला। इसकी भी जो आपको मैगजीन है वो आपको फुली कवर्ड मिलेगी, सारी तरह से ये कवर्ड रहेगी, ताकि आपको बिल्कुल जैसे ओरिजिनल होता है वैसे लगे। जो 84FS आपको मैंने लास्ट वीडियो दिखाई थी, M92A1 और ब्रेटा 84FS का कंपेरिजन वीडियो दिखाया था, उसके अंदर जो डिफरेंस होता है वो सेम ऐसी कवर्ड मिलेगी, और जो 84FS में आती है वो आपको कवर्ड नहीं मिलती है। देखिए, आपको मैं पहले सिलेंडर डालना सिखाऊंगा, इसके अंदर सिलेंडर कैसे डालते हैं। पहले आपको जो इसका मैगजीन बटन है वो दबा के आपको मैगजीन बाहर निकालनी है। आपको फिर इसके अंदर बॉक्स में आपको एक एलन की मिलेगी, ये देखिए, ये आपको जिप लॉक में मिलेगी। ये फ्री कुछ सैंपल बीबीज आते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 होते हैं, ये आपको बॉक्स के अंदर ही मिलते हैं। ये देखिए, इसकी एलन की होती है, जिससे आप इसका जो स्क्रू है, आप जो सिलेंडर होता है वो लोड करेंगे। आपको इसको ऐसे लेफ्ट साइड की तरफ घुमाना है। अब हम लेंगे 12 ग्राम का CO2 सिलेंडर, ये आपको ऐसे डालना है। इसकी जो आपकी ये टिप है आपको ऐसे रखना है, ये देखिए। अब हम इसको लॉक करेंगे। अब जो आपको वापस घुमाना है तो आप ये राइट साइड पे करेंगे। थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे इजी जो है वो ब्रेटा M92A1 का होता है। या कोई बिल्कुल जो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन होती है वो वैसे डलेगा तो आपको सेम इजीली आपको चला जाएगा जो इसका लॉक होता है। ये देखिए, अभी फाइनली हो चुका है। थोड़ा थोड़ा ये डिफिकल्ट टास्क होता है, ज़्यादा भी मैं नहीं कहूँगा। ये देखिए, सिलेंडर इसके अंदर लग चुका है। अब हम इसको पिस्टन में लगाएंगे। काफ़ी अच्छा प्रेशर है इसका। ब्रेटा US से कॉरपोरेशन। ये देखिए, यहाँ पे मॉडल है, मॉडल M9A3, कैलिबर 9 mm। ये देखिए, इस पर वार्निंग, रीड मैनुअल बिफोर यूज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसका सेफ्टी लॉक है, इसका भी हम लॉक कर देंगे तो ये फायर नहीं कर रहा है। ये देखिए, अब हम इसको अनलॉक करेंगे तो ये फायर करना शुरू कर देगा। ये सेम जैसे आपको M92A1 में दिखाया था मैंने, इसकी इंडिकेशन होती है जो आपकी स्लाइड पीछे रुक रही है तो कि मैगजीन खाली है। आइए मैं आपको इसके अंदर जो बीबीज हैं वो लोड करना सिखाता हूँ।
ये बीबीज मिलेंगे आपको। इसकी जो कैपेसिटी है वो 18 आउंस की है, पर हम पूरे नहीं इसके अंदर लोड करेंगे, हम इसके अंदर तीन चार बीबीज डाल के आपको दिखाएंगे। ये 5 BBs है, मैं आपको एक एक करके लोड करना सिखाऊंगा। ये देखिए जिसको लॉक है, हम नीचे कर देंगे इसको, हम यहाँ से एक एक बीबी डालेंगे। ये 3rd BB मैं डाल रहा हूँ। सारे जो बीबीज हैं वो हम लोड कर चुके हैं। एक बीबी बाहर आ गया, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसको बहुत इजीली छोड़ना पड़ता है, बहुत आराम से छोड़ना पड़ेगा हमारे को। बहुत धीरे आप ऊपर लेके आ जाएंगे इसको। मैं आपको 105 करके दिखाऊंगा। ये देखिए सारे बीबीज चल चुके हैं, वो जो स्लाइड है यहाँ पे इसी पोजीशन में आकर रुक जाएगी। मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छा लगता है, M92A1 से मेरे को ये ज्यादा बेटर लगा। और आपको ये बहुत जरूरी एक बात जो आपको ये याद रखनी है हमेशा, अगर आप CO2 यूज़ कर रहे हैं एयर पिस्टल, और अगर आपको 2-3 दिन तक आपको ये यूज़ नहीं करना है, तो आप इसका जो हमेशा सिलेंडर है वो आपको निकालना पड़ेगा। ये देखिए हम इसको ये देखिए जो सारी गैस थी वो इसका ऐसे निकलती है इसके अंदर से। ये देखिए बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये जो सारा जो है वो इसके अंदर जो गैस होती है ये कोल्ड गैस होती है, सारी जो CO2 होते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।